हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल डू अ क्विज ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. लेट्स स्टार्ट द क्विज. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल. द प्रॉपर्टी शोन बाय द मैटर इज. अब एक डाइवर स्विमिंग पूल में स्विम कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की? सो ऑप्शंस आर द पार्टिकल्स ऑफ are of very small size, the matter have space between them, the particles are in solid state, the particles are running here and there, have no space between them. So let's take the answer. Okay, answer is B. A diver is able to cut through water because water is liquid and have space between them. तुम्हारा ऑप्शन भी इसलिए सही था क्योंकि मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. सो तभी हम सॉलिड को नहीं कट, मतलब सॉलिड मान लीजिए एक ब्रिक है, हम उसके अंदर हाथ थोड़ा ना डाल सकते हैं, नहीं डलता ना, पानी में हमारा हाथ चला जाता है, यानी एक तरह से वो कट हो जाता है. लेकिन सॉलिड मतलब जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है वो नहीं होता ऐसे. ओके, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ओके, आर ऑप्शंस आर स्टोन, सैंड, मर्क्यूरी, बोथ ए एंड बी. सो लेट्स चेक द आंसर. आवर आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. द स्टोन एंड सैंड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स अमंग देयर पार्टिकल्स, i.e. The particles of stone and sand held together with strong attractive forces. Mercury is only metal which is found in liquid state at room temperature. एक और वन वर्ड क्वेश्चन बन गया कि mercury मतलब कौन ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, mercury. Then आपको ना इसी तरह से MCQ questions में भी MCQ questions ढूंढना है. गैस शो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज, क्यों? ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ लो इंटरमोलिकुलर स्पेस, ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस. अब गैस फास्ट डिफ्यूजन क्यों हो जाती है? बिकॉज आंसर सी, कैन शो फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज दीज हैव वीक इंटरमोलिकुलर forces between them and move with higher speed. As a result, these have large intermolecular space between the मतलब molecules. इसका मतलब है कि उनके अंदर space ज़्यादा होती है, इसलिए वो अलग अलग particle अलग अलग direction में जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलते हैं. So that's why जो अपना ये है ना, जो diffusion of water होते हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है. Next, the similarity between a liquid and a gas is both do not show definite shape, both have definite volume, both have same boiling point, both have same nature. Let's take the answer. Answer A, hamara answer hai, liquid and gases both are considered as fluids due to weak intermolecular forces of attraction. Gases occupy the space and volume of the container in which they are placed. Liquid has slightly more force of attraction than gases. Thrusty, यहाँ पे thrust day लिखा है गलती से, मतलब इसका thrust they have definite volume but not the definite shape. जैसे कि उनके definite volume होता है लेकिन shape नहीं होती है gases की. ठीक है, मतलब गैसेस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता लेकिन उनकी डेफिनेट शेप होती है. वेट, जो हमारा लिक्विड है ठीक है, उसके अंदर जो मतलब हमारा वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती. ऐसा ही उल्टा मतलब गैसेस में है, उसके दोनों डेफिनेट नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Only gases behave like fluids. Fluids यानी कि अगर आप उसको ज़मीन पर डाल तो अपने आप थोड़ा आगे आगे चलने लग जाती, बहने लग जाता पानी. ठीक है, gases and solid have like fluids, behave like fluids. Gases and liquid behave like fluids. Only liquid behave like.
आंसर इज गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स. मैं आपको आंसर अच्छे से डिटेल में बताती हूँ. गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स. बोथ गैसेज एंड लिक्विड टेंड टू फ्लो ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल देयर पार्टिकल्स. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन. कन्वर्जन ऑफ वेपर इंटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. द कन्वर्जन ऑफ वेपर इंटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. आंसर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू वेपर ऑन हीटिंग और वेपर इंटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट अंडरगोइंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. नेक्स्ट बताऊँगी क्यों होता है. देखो अगर ना जो वाटर वाटर की स्टेट में बिना जाए सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू नियरली. अब हमें इसका क्लेविन स्केल से निकालना है तो हम प्लस करेंगे 273. हमने 200 में 273 प्लस कर दिया तो हमारा आंसर है 473 K. आंसर सी इज करेक्ट. चेक सेल्सियस स्केल एंड क्लेविन स्केल आर रिलेटेड टू फॉलोइंग. टेम्परेचर ऑफ क्लेविन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273. एंड सी द टेम्परेचर ऑन क्लेविन स्केल इज इक्वल टू 200 प्लस 273 इज 473 K. विच ऑफ द कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर. Yes, answer is A. Increase in temperature of water will increase the evaporization of water. It is because on increasing the temperature, kinetic energy of water molecule increase and more particle get enough kinetic energy to go into the vapor state. This increases the rate of evaporation. During summer, water kept in earthen pot becomes cool because of phenomena of diffusion, transpiration, osmosis or evaporation. Answer is D. During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of phenomena of evaporation. Earthen pot has a large number of tiny pores in it all, and some of the water molecule continuously give sipping through these pores into outside the pot. Next, boiling point of density ether, acton and an butte alcohol are इनकी boiling points दे रखे हैं इन chemicals के. और respectively which one of the following correctly represent their boiling points in Kelvin scale. So देखिए ढूंढिए okay. यहाँ पर मैंने इसी slide में answer दे रखे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. यहाँ से हमारा answer start है. Correct ऑफ ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स आर डेडनिंग, मतलब इन इन केमिकल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेटली एथन इसके क्या है 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हुए. 308 में किस में, ये मिडल वाले दो में है ना. अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन ठीक है 56 सेल्सियस है, 56 प्लस 273 हुआ 329. अब 329 किस में, मिडिल वाले दो में से 329 दोनों में ही है. अब नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्लेट एल्चोन ठीक है 118 सेल्सियस प्लस 273 हुआ 391. तो आंसर आया हमारा सी. नेक्स्ट ओके थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. बाय बाय फॉर नाउ.